हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू डूइंग वेल। और मैं दो दिन का मैंने ब्रेक लिया था व्लॉगिंग में, अदरवाइज़ मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और न्यू हूँ यूट्यूब पे। सो एज़ यू नो कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करती थी बट कर नहीं पा रही थी दो दिन से, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था, वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी। खैर, आज का मेरा व्लॉग शुरू है लंच से और मैंने पराठा बनवाया था। गला ख़राब है फिर भी पराठा बनवाया और कोल्ड ड्रिंक भी पी, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप लोग कभी ऐसा कुछ होना तो जहर ही जहर को मारते हैं, और जब कोल्ड ड्रिंक सबके लिए निकाली घर वालों के लिए मैंने, तो फिर मेरा भी दिल चाह रहा था तो मैंने भी पी ली। और मैंने मज़े की बात है तो दो ग्लास पी थी। खैर, कोल्ड ड्रिंक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट इतनी पीनी नहीं चाहिए। खैर, उसके बाद मेरा थोड़ा स्कूल का वर्क था तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। एक्चुअली मुझे असेंबली में प्रेजेंटेशन करवानी थी और मेरी क्लास की टर्न थी। सो तबीयत ख़राब और थोड़ी नासाज होने के बावजूद थोड़ी सी मैंने ये आर्ट वर्क बनाया। इसको मैंने हाथ से करना था सब कुछ, लेकिन ड्रॉ वगैरह करने के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से मैंने कार्ड शीट के इस्तेमाल किया, अपनी सिस्टर से भी हेल्प ली। और फोर सीजन पर मेरी प्रेजेंटेशन थी बच्चों की, तो उनको प्रिपेयर तो मैंने करवा दिया था बट ये सब कुछ रहता था। और सुबह मेरी थी प्रेजेंटेशन, खैर बहुत अच्छी हुई। और विंटर सीज़न में ये मैंने अपनी सिस्टर से कलर करवाया, ये बन रहा है यहाँ पर विंटर सीज़न का आर्ट। आप लोग इन्जॉय करें और आगे दिखाती हूँ क्या क्या है। और ये आप लोग देख रहे हैं फॉल, विंटर का वो सीज़न था और ये है फॉल का। सो यहाँ पे मेरे लीव्स लगा रही हूँ क्योंकि फॉलिंग में और फॉल वाले सीज़न जो होता है ऑटम का जिसे हम कहते हैं, उसमें पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और कलर्स भी अपने चेंज करते हैं। तो पत्ते गिरे ग्रीन कलर के और हो गए ब्राउन कलर के, जो कि बाहर के ममालिक में भी आप देखते हैं वॉलपेपर्स होते हैं तो ब्राउन और ऑरेंज समथिंग बन जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक रहेगा। ये मैंने बनाया है स्प्रिंग, इस पर फ्लावर्स वगैरह लगाने अभी बाकी हैं। और यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे रख दिया क्योंकि फ़ैन भी चल रहा था तो सब कुछ बहुत उड़ रहा था, तो मैं नीचे रखती जा रही थी कि बाद में देखेंगे। खैर, वो मैंने सफाई वगैरह कर ली थी और ये है इसका फाइनल लुक मेरे विंटर सीज़न का। होप यू लाइक इट। और चारों में सीज़न यहाँ पे शो करवा रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगा। और दिस इज़ ऑटम सीज़न एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड फॉल, सो ये फॉल सीज़न है, इसमें भी पत्ते झड़ रहे हैं और अपने कलर्स चेंज कर रहे हैं। और मुझे लगा था ये सबसे ज़्यादा ईजी होगा बनने में, बट ये लीव्स कटिंग करने में बहुत देर लग गई। और सबसे ज़्यादा इसी जो था वो था समर सीज़न, इस पर भी अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं और कुछ ऐड करती बट खैर सिर्फ सन बना के छोड़ दिया। और स्प्रिंग जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और स्प्रिंग मेरा मोस्ट फेवरेट सीज़न है, तो इस पर मैंने फ्लावर्स लगाए हैं और बटरफ्लाई भी लगानी थी बट वही तबीयत की वजह से मैं नहीं बना पाई। खैर, जो भी था अच्छा लग रहा था। अब इसमें मैंने होल्स बनाने हैं और उसमें डोरी वगैरह कुछ लगानी है, देन फिर हैंग करेंगे बच्चों के गले में। और ये है फाइनल लुक विंटर का और ये फाइनल लुक फॉल का। और आपने बताना है कौन सा अच्छा लग रहा है, ये फाइनल लुक स्प्रिंग का एंड देन फाइनल लुक ऑफ समर, सबसे ज़्यादा क्यूट कौन सा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारे अच्छे लग रहे तो सारे बता दीजिएगा। खैर, इस चीज़ से फारिग होकर बस थोड़ा बहुत खाना खाया था, गला भी ख़राब था तो थोड़ा बहुत ही खाया मैंने खाना। उसके बाद फ्रूट चाट खाई, चारों चीज़ें मैंने ऐसे खाई जो मुझे नहीं खानी थी बट जहर जहर को मारता है। खैर है, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। रखें अपना ख्याल।